दशक को पूरे देश में राम प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा हर घर राम रामायण महाकाव्य अभियान के तहत वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां कई बच्चे रामायण के पात्रों में नजर आए। दर्शकों, 500 साल की कड़ी तपस्या के बाद, 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला जो है 22 जनवरी को उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी अनुरूप पूरे देश में, साथ ही साथ हमारे नागपुर में भी जो है कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और ये जो है राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में जो है रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा हर घर में राम रामायण महाकाव्य एक अभियान, इस उपक्रम के तहत जो है सभी बच्चों को जो है यहाँ आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, हर घर में राम दिखाया जा रहा है। हर घर में जो है रामायण महाकाव्य के दर्शन कराने की जिस प्रकार से संकल्पना के तहत जो है हर एक छोटा बच्चा रामायण के पात्रों में आपको नजर आ रहा है। जिस प्रकार से छोटा राम है यहाँ, शबरी है, मंथरा है, हर प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रकार के जो रोल्स है रामायण के यहाँ रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा जो है यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इनका फैशन शो भी आयोजित किया गया है ताकि एक सक्षम संस्कार, सकारात्मक संस्कार सभी के घर में हो। जिस प्रकार से रामायण में आदर्शवादी कहानियां बताई गई है, आदर्श दिखाए गए हैं, उसी प्रकार से हमारे कस्टमर्स में भी उस प्रकार के आदर्श रुजित हो, इसी संकल्पना से रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा ये सराहनीय उपक्रम यहाँ जो है आयोजित किया गया है। इस वक्त ग्राहक एवं रोकड़े ज्वेलर्स के पारिवारिक रिश्तों को चरितार्थ करते हुए रोकड़े ज्वेलर्स की इवेंट प्रबंधक शुभांगिरी ने हमसे बात की, जहां उन्होंने पूरे कार्यक्रम के विषय में बताया और सभी को रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से 500 साल के बाद आए इस अग्रिम क्षण के विषय में शुभकामनाएं दी। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोकड़े ज्वेलर्स से शुभांगी मैम। मैम, जैसा कि आपको तो काफी धन्यवाद देना चाहिए, जो है पूरा देश मना रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। जैसा कि हम जानते हैं और पूरा शहर जानता है, रोकड़े ज्वेलर्स मात्र एक ज्वेलर्स ना होकर एक परिवार है कस्टमर्स का, साथ ही साथ जो है सभी बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, उसी संकल्प में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी, सभी नागपुर वासियों और मैं भारत वासियों को इस ऐतिहासिक क्षण की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोकड़े ज्वेलर्स सिर्फ एक कस्टमर और ओनर का रिश्ता नहीं है, वह एक परिवार है जो कि अपने सभी प्रिय ग्राहकों से उतना ही प्यार करता है और बदले में हमें उतना ही प्यार और उत्साह मिलता है। जैसे हम हमेशा आयोजन, जो भी आयोजन होते हैं, उन आयोजनों का हिस्सा हमारे प्रिय ग्राहकों को बनाते हैं और उनके उत्साह, उनके सहयोग के साथ ही हम इसे सफल भी बनाते हैं। और जब ये ऐतिहासिक मौका है जो कि 500 वर्षों के बाद आ रहा है, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है जो कि 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, और मैं तो कहूँगी कि अवध में राम आ रहे हैं, और इस संकल्पना को हमने ध्यान में रखते हुए सोचा कि जब हम छोटे छोटे त्यौहार या छोटी छोटी खुशियाँ आपस में मिलकर बांटते हैं तो यह ऐतिहासिक क्षण कैसे भूल सकते हैं। और इस क्षण को और यादगार बनाने के लिए हमने एक छोटी सी पहल की है, और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो कि रामायण से संबंधित पात्रों को चित्रित कर रहे हैं, और हमने कोशिश की थी कि हम एक ऐसा अनूठा आयोजन करें और जिसका टाइटल हमने दिया है हर घर में राम। और रामायण एक महाकाव्य, बेसिकली रामायण एक महाकाव्य, और जिसका हमें बहुत ही अभिमान है, और इस अभिमान को, इस गर्व को हम घमंड तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इस गर्व के क्षण को हम आप सभी के साथ अनुभव करना चाहते थे, यादगार बनाने चाहते थे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी माता पिताओं का कि हमारी इस योजना को, हमारी इस संकल्पना को उन्होंने पूरा करने में हमारा साथ और सहयोग दिया, और बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट्स के साथ उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तैयार करके लेकर आए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे विविध पात्रों को चित्रित कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। जैसा क्षण अयोध्या में मनाया जा रहा है, वही क्षण यहाँ पर हम रोकड़े ज्वेलर्स, रोकड़े परिवार, अपने पूरे परिवार, अपने प्रिय ग्राहकों के साथ मना रहे हैं। और
आप सभी का साथ इसमें हमें बहुत मिलता है हमेशा। मैम कितनी एंट्रीज आई है पूरी आज? सर विविध कार्यक्रम तो बहुत जगह चल रहे हैं, पूरे शहर में कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे पास लगभग 50 बच्चों के नाम आए हुए हैं। अब बस हम बच्चों के इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ माता पिता और बच्चे ये आयोजन देखने भी आने वाले हैं और कुछ बच्चे जैसे कि आप देख रहे पहुँच चुके हैं और कुछ और भी पात्र जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और मैंने जैसे कहा कि हमें विशेष प्यार मिलता है हमारे प्रिय ग्राहकों का, हमारी नागपुरवासियों का, तो वो आज भी हमें देखने मिला हुआ है। दर्शकों जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ट्रॉफीज भी दी जाने वाली है इन बच्चों को, जो है रामलला की ट्रॉफी जाके रामलला का जो है एक सुंदर चित्र यहाँ निकाला गया है और काफी सराहनीय कदम रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। बड़ा मस्त कार्यक्रम बोल सकते हैं, काफी अच्छी तरह से आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शकों कुछ पेरेंट्स भी मौजूद है, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं आप, क्या बना है आपका बच्चा? राम। राम लला बने हैं आपके बच्चा। क्या कहना चाहेंगे रोकड़े ज्वेलर्स हर बार जो है आपको सम्मिलित कर अपना जो है त्योहार मनाता है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है और हर टाइम पे कोई ना कोई नया फंक्शन वो करते हैं तो हम लोग आते हैं और अपने बच्चों को भी लेके आते हैं यहाँ पे। दर्शकों एक आदर्शवादी कदम जो है रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है और आदर्शवादी कदम जो है सफलतापूर्वक यहाँ दिखाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ पेरेंट्स और मौजूद है। मैम क्या बनी है आपकी बेटी? जी मेरी बेटी का नाम शनाया फातिमा है और आज वो सीता माता बनी है। सीता माता आपकी बेटी बनी है, जैसा कि आपके सरनेम से ही लगता है कि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, फिर भी जो है आज देश में विवाद चल रहा है उसी के बीच आपने जो है सीता माता का पात्र यहाँ चित्रित किया है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल यूनिटी सब में रहना चाहिए मैं तो ये कहती हूँ और एकता ही सब कुछ है हमारे देश के लिए मुझे ऐसा लगता है। और इस एकता को कहीं ना कहीं आबादित करने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स भी काफी सहयोग कर रहा है, क्या कहना चाहिए? जी रोकड़े ज्वेलर्स से तो हम लोग काफी समय से शॉपिंग कर रहे हैं और उनके साथ हमारा संबंध है, एक फैमिली टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया है हमारा, बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। क्या बेटा क्या बने हो आप? सीता। सीता। और मेरा नाम शनाया। नाम क्या है आपका? शनाया फातिमा। और मतलब कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, बच्चों के मुखारविंदों से भी आपने जिस प्रकार से सुना, जिस प्रकार से जो है रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा सराहनीय कदम, यहाँ शिव जी बने हुए हैं उनके ही मुखारविंदों से, क्या बने बेटा? काफी प्यारी मुस्कान है बच्चे की जो कि शिव जी बने हैं, साथ पूरा जो वातावरण है भक्तिमय हो चुका है, राममय वातावरण हो चुका है। हमारे साथ आप क्या बनी, आपका पात्र चरितार्थ नहीं हो रहा है? शबरी। शबरी बनी है जो कि भक्तिमय वातावरण, जिस प्रकार से जो है रामायण में एक शबरी का काफी बड़ा महत्व विदित किया गया है, आप शबरी क्यों बने, आपको क्यों लगा कि शबरी बनना चाहिए करके? राम भगवान, जिस प्रकार से राम भगवान मेरे आदर्श है और जिस प्रकार से शबरी ने अपने भक्ति से ओतप्रोत कर जो है श्री रामचंद्र की भक्ति की थी, उसी प्रकार से मैं आज शबरी बनी हूँ, ऐसा जो है इस बच्ची ने संदेश दिया है। क्या बने बेटा? मैं रानी कौशल्या बनी हूँ, राम की माँ। आप राम की माँ बनी है तो? हाँ। आपको किसने बोला, मतलब आपको ही पसंद था या आपको ही पसंद था वातावरण हो चुका है और रोकड़े ज्वेलर्स ने जो है शहर में पूरा रामायण उतारा है, जिस प्रकार से रामायण के भी पात्र आपने जिस प्रकार से देखे है इस वक्त ये काफी अच्छा सा जो है पात्र सजाया, क्या बने बेटा? सीता।
शकुंतला का पात्र है, लेकिन जिस प्रकार से जो है बच्चों को सिर्फ जो है उतना ज्ञान नहीं होता, फिर भी जो बच्चे बने हैं पात्र जिस प्रकार से उन्होंने किए हैं उससे कहीं ना कहीं यही प्रतीत होता है। और जिस प्रकार से रोकड़े ज्वेलर्स ने जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिस प्रकार से जो है उत्साह यहाँ विदित किया है, इस वक्त मैडम मौजूद है। मैडम, क्या आपकी बच्ची को आपने क्या बनाया? सीता माता बनी है। आपको ही मतलब बाकी भी पात्र थे, आप सीता ही बनाना क्यों चाहे? क्योंकि सीता का जो जीवन आदर्श है वो मुझे लगता है कि हर लड़की ने, हर मतलब महिला के लिए वो आदर्श है सीता, इसलिए मैं अभी से अपने बेटी से चाहूंगी कि सीता जैसे बने। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में रोकड़े ज्वेलर्स ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्हीं में से एक है यह वेशभूषा प्रतियोगिता, जहां रामायण के सभी पात्र जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, शबरी आदि पात्रों को सुसज्जित किया गया था, जहां प्रतिभागियों में खुशी का माहौल नजर आया। सभी ने रोकड़े ज्वेलर्स के इस सराहनीय कदम के लिए रोकड़े की टीम का धन्यवाद किया। इस वक्त रोकड़े ज्वेलर्स के मुख्य द्वार से राम, सीता, लक्ष्मण सहित हनुमान आते नजर आए। हमारे बच्चे रामायण के पात्रों की तरह आदर्शवादी हो, ऐसा ही संदेश कहीं ना कहीं रोकड़े ज्वेलर्स के कस्टमर्स ने दिया है, रोकड़े ज्वेलर्स के ग्राहक ने दिया है। और जिस प्रकार से रोकड़े ज्वेलर्स रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह मना रहा है, उसी प्रकार से पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। लेकिन एक काफी सराहनीय कदम है, क्योंकि जो है पूरा शहर जानता है रोकड़े ज्वेलर्स का जो है कस्टमर और ओनर का नाता ना होकर एक पारिवारिक नाता यहाँ जो है विदित होता है, यहाँ जो है प्रतीत होता है। तो दर्शकों, आप सभी को रामलला के जन्म प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप भी 22 जनवरी जो है इस देश की आधुनिक दिवाली बड़े ही खुशी के साथ मनाएं, यही शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरी, NBC News के लिए नागपुर।